मुराद। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 3D थिएटर में आ चुके हैं अंदर और जा रहे हैं अंदर। इधर जाफर जी भी है और देखिए 3D ये थिएटर है एकदम। वाह, चलिए सबसे आगे बैठते हैं सेंटर में। सेंटर में आते हैं, देखते हैं। देखिए ये 3D थिएटर है। कहाँ बैठो? इधर 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 इधर। ये कवर कीजिए। हाँ, ये पूरा देखिए 3D। क्या बोलते हैं इसको? 3D पीछे थिएटर थिएटर है। पीछे वाला पे चलो, पीछे वाला सेकंड पे चलते हैं। अरे ज्यादा पीछे से फिर नहीं ठीक आएगा। पीछे से ही तो सही आएगा भाई साहब। ऑसम, बहुत मजा आ रहा भाई साहब। चलिए बैठ चुके हैं हम लोग यहाँ 3D में। सबको दिखाओ। ये देखिए 3D में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ग्रुप फोटो कर रहे हैं। ग्रुप सेल्फी हो रहा है। बायोस्कोप लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पूरा 3D में बनाया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ हमारे सब फ्रेंड्स बैठे हैं। इधर MD राजा जी, इधर जाफर जी, इधर मैं हूँ, इधर सोनू जी हैं, उधर 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 से, इधर मुराद जी हैं और उधर साजिद जी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। करीब 22,000 बार सांस लेते हैं, कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं राजगीर के जू सफारी के म्यूजियम में और काफी खूबसूरत यहाँ पर देख सकते हैं आप। पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, पूरा घुमाएंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं हरी क्लोथ डियर, देख सकते हैं सब प्रजाति का यहाँ पर है। टाइगर है, बाघ है यहाँ पर, और इधर देख सकते हैं आप सबका चित्र लगा हुआ है। इधर कुछ प्रतिमा बनाया गया है, देख सकते हैं यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इधर भी है, देख सकते हैं आप। और अब चलते हैं अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर जो फील है बॉस, एकदम गजब गजब का 3D एकदम, देख सकते हैं आप। भूल भुलैया वाला यहाँ पर एकदम फील आपको मिल रहा है। चारों तरफ यहाँ पर 3D जैसा देख पा रहे होंगे। ये जो बटरफ्लाई है यहाँ पर इस तरीके से फ्लाइंग कर रहा है, सब उड़ रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर काफी आनंद आ रहा है, काफी इंजॉय मिल रहा है मुझे। एक चीज आप लोगों को बताते चलें, यहाँ पर एक दिन में आप एक चीज कर सकते हैं। अगर आप नेचर सफारी जू को एक्सप्लोर करते हो तो नेचर सफारी जू और म्यूजियम और उसके साथ साथ 3D यहाँ पर एक शो चलाया जाता है जिसमें बिहार में और समुद्र में जो क्या क्या जीव है उसके बारे में बताया जाता है। तो कुल मिला के 250 रुपये आपका खर्च आता है, ठीक है। और अगर ग्लास ब्रिज आप देखना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अलग से 100 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। तो कोई एक ही आप कर सकते हैं। और ग्लास ब्रिज के लिए 10 बजे से पहले आपको टिकट लेना होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, सारे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आए हैं, देख सकते हैं। ये MD राजा जी हैं यहाँ पर, ये सेल्फी ले रहे हैं, और यहाँ पर जाफर जी हैं। चलिए बाहर का नज़ारा, बाहर का सीन आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हुआ करते थे यहाँ पर, देख सकते हैं आप सबकी प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर। और इधर कुछ जो पहले के प्रजाति के जो ओल्ड महिला हुआ करती थी वो कैसा यहाँ पर उनका भी प्रतिमा बनाया गया है यहाँ पर। LED सारा देख सकते हैं आप, LED भी लगाया गया है यहाँ पर, जो मानव के बारे में यहाँ पर बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, यहाँ पर भी चित्र लगाया गया है और
और यहाँ पर शादी भी लगाए, ये सब सारा क्या ग्रो कर रहा है थोड़ा सा पढ़ गया बताएंगे क्या क्या लिखा गया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ₹4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 4 बिलियन ईयर्स पहले पुराना इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 2.8 से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले का ये प्रतिमा है। ये बात ये देख सकते हैं 750 मिलियन मिलियन और यहाँ पर 400 मिलियन ईयर्स है, जो 400 मिलियन पहले का यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ अर्थ दिखाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 240 मिलियन ईयर्स है वो पहले का प्रतिमा, ये अभी का प्रेजेंट जो ग्लोब जिसको कहते हैं अर्थ, ये आपको प्रेजेंट का है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये लैब में यही देखने को मिलेगा। उसका सबसे पहला स्टेज ये है, उसके बाद सेंट फॉर्म में आता है, फिर उससे कुछ ये होता है जी, इस तरह का होता है, अधिकतर डिजर्ट में रखा जाता है, सहारा डिजर्ट इसी तरह का है, जहाँ पे सऊदी अरबिया वगैरह में इस टाइप का होता है, ये भी मिट्टी कहीं कहीं पे सऊदी अरबिया में मिलता है। फिर उसके बाद ये स्टेज आता है धीरे धीरे, लास्ट है यहाँ पर पहाड़ हो जाएगा, और जो नीचे आएगा वो पॉइंट ऐसा रहेगा, नीचे का लेयर कुछ इस टाइप से होता है। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी खूबसूरत चित्र बनाया गया है, ये बाहर का व्यू ऑफ पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजगीर का लोगो लगा हुआ है, जू सफारी का, जहाँ पर आपको हिरन है, बाघ है, चीता है, डियर है, भालू है, बहुत सारे यहाँ पर जानवर हैं। ठीक है, तो ये म्यूजियम का पूरा हम एक्सप्लोर किए, और म्यूजियम में क्या क्या चीज़ अंदर रखा गया है जू सफारी के अंदर, वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इधर चलेंगे, इधर क्या क्या है, हेलो, इधर देख सकते हैं मानव जो लिखा हुआ उसके बारे में, होमोसेपियंस, उसके बाद मॉडर्न मैन आया, उसके बाद मॉडर्न मैन आया, पहले ऐसे दिखते थे, यानी इससे पहले ये जो प्रतिमा देख पा रहे हो, इससे पहले हम लोग ऐसे दिखते थे, और इससे पहले हम लोग ऐसे थे, हल्के झुके हुए, अब इससे पहले यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये चिंपैंजी से इसका शक्ल मिलता जुलता है, और इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला प्रतिमा है, और इससे भी पहले ये वाला छोटा वाला रामा पिथिकस, और ये जो सबसे हल्का झुक के चलते थे, और ये जो सबसे छोटा वाला प्रतिमा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला ह्यूमन एवोल्यूशन ड्राई पिथिकस, ये वाला देख सकते हैं आप, ये सबसे स्टार्टिंग, ये सबसे स्टार्टिंग शुरू में, और जो लास्ट हुआ, लास्ट पॉइंट जो हुआ वो यहाँ पर आपको दिखाते चलें, जो लास्ट में अब मानव का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शेर वगैरह भी है, सब प्रजाति का सारा LED लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर बियर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिरन है, यहाँ पर उससे छोटा हिरन है, यहाँ पर सिंह वाला हिरन है, और यहाँ पर उससे छोटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग बियर, और यहाँ पर ब्लैक बर्ड, और यहाँ पर सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए प्रतिमा बनाई गई है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीका। तो ये जो ओवरऑल जो पूरा व्यू है म्यूज़ियम का राजगीर के अंदर, वो हमने आपको दिखाने का काम किया। आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राजगीर का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद वाले एपिसोड में और कुछ भी हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।